Good morning, students. Today we are going to discuss the unit 5, that is electromagnetic waves. So, we will be discussing the first part of electromagnetic waves, that is very important, that is uh, this concept of displacement current. Okay. Now, to start with electromagnetic waves, we have studied four equations. Have a look at them gauss law in electrostatics then we did gauss law in magnetism then we did ampere's, ampere's law and then we did faraday's law of electromagnetic induction so these four equations they were combined by maxwell and they are called maxwell equations now what was maxwell's theory what maxwell basically said that will be discussing that gives the concept of displacement current and from there we get the concept of electromagnetic waves okay now what is uh, maxwell maxwell did some experiment what he did he proposed that time varying electric fields can generate magnetic field in the last unit fourth unit electromagnetic induction वहाँ पे हमने पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड यही किया डी फाई अप ऑन डी टी इंड्यूस जी एम एफ इज प्रोड्यूस वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस यही किया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लॉ फेराडे लेंजेस लॉ सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये फेराडे ने कहा ओके सो फेराडे कहता है कि जब भी फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी देर विल बी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट गेट्स जनरेटेड इन अ सर्किट विच हैज मैग्नेटिक फील्डेड विद इट जिस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है उसके साथ इलेक्ट्रिक करंट अपने आप ही आ जाता है अकॉर्डिंग टू फेराडे नाउ मैक्सवेल ये कहता है कि अगर फेराडे का लॉ ट्रू है तो देन इसका उल्टा द वाइस वर्सा मस्ट ऑल्सो बी ट्रू दैट इज the time varying electric field must also be able to generate a magnetic field again magnetic field change current current produce hota, electric field produce then so by varying the electric field we must be able to produce some magnetic field so that was what maxwell thought of and for that he uh, studied these four equations which we did इन सारी क्वेश्चन को उसने स्टडी किया और उनमें से जो एम्पियर सर्क्यूटर लॉ है हमने किया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई ही फाउंड कि इस लॉ में कहीं पे कुछ मिस्टेक है बिकॉज ऑफ दिस लॉ इस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम इसे पढ़ रहे हैं इस फॉर्म में इस लॉ के कारण ये चीज जो, जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रही कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सो वॉट ही डेड ही डेड सम एक्सपेरिमेंट ही टुक अ कपेस्टर और उसके आस पास उसने मैग्नेटिक फील जो है उसे फाइन करने की कोशिश की एट डिफरेंट पॉइंट्स सो वॉट ही डेड सी दिस इज़ द कपेस्टर वायर्स के साथ लगा हुआ है पूरा सर्किट श्रो नहीं किया हुआ है ठीक so, है सो वायर है दैट मीन्स इट हैज़ बिन अटैच टू अ सोर्स ऑफ ई एम एफ एंड ऑल दैट ठीक है वहाँ पर एक पी पॉइंट है अराउंड द वायर करंट आई इज फ्लोइंग ठीक है जो वायर है जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है उसके पास वायर है उसके अराउंड एक पी पॉइंट है सो so, मैक्सवेल ने क्या किया ही ट्राइड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पी एट दिस पॉइंट पी ठीक है उसने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश की इस पॉइंट पी पे ठीक है और उसके लिए उसने अलग अलग लूप ली एम्पीरियन लूप लेते हैं हम सो हेयर फर्स्ट इन द फर्स्ट केस ही टुक द एम्पियर लूप एज ऐसे जैसे हमने पी पॉइंट के राउंड एक एम्पियर लूप ले ली ठीक है सो फॉर द फर्स्ट केस ही कंसिडर्ड द सर्फिस ऑफ रेडियस आर एंड डी एल इज द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्फिस सो एम्पियर सर्क्यूटर लगा लॉ लगाया बी डॉट डी एल इज़ म्यू नॉट इन टू आई डी एल को इंटीग्रेट किया टोटल लेंथ ऑफ द लूप जो है वो टू पाई आर आ जाएगी वहाँ से मिग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई अपॉन टू पाए आर उस पी पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आए अपॉन टू पाए आर ओके नेक्स्ट उसने क्या किया सो so, ये पी पॉइंट और ये एम्पी सर लॉ सॉरी एम्पीरियल लूप ऐसे उसने ली ठीक है जिसका रेडियस आर था ठीक है सर कम्फ्रेंस टू पाई आर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आए अपॉन टू पाए आर ठीक है इस पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पे ठीक है सो so, उसने एम्पिय लॉ लगाया और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर ली अब इसी पी पॉइंट को उसने एक अलग तरीके से डिफ़ाइन किया ठीक है सो सेकंड केस में उसने एम्पीरियन लूप ध्यान से देखना है इसे सेकंड केस में उसने एम्पीरियन लूप जो है वो कैसे ली एम्पीरियन लूप ली उसने एक बॉक्स की शेप में ठीक है जैसे हमारा टिफिन बॉक्स होता है उस टाइप में उसने एम्पीर, एम्पीरियन लूप ली कि जो पी पॉइंट है जैसे टिफिन के ऊपर उसका लिड होता है वैसे ही एक बॉक्स उसके ऊपर एक लिड बना हुआ है ठीक है एंड पी पॉइंट लाइज थे ओके सो पी पॉइंट जो है वो उधर लाई कर रहा है और जो लूप का बाकी हिस्सा है वो थोड़ा विद इन द कैपेसिटर भी जा रहा है ठीक है सो so, उसने एम्पीरियन लूप जो है वो ऐसे लगाई ठीक है कि इट ही टुक द एम्पीरियन लूप लाइक अ बॉक्स लेट इज ओपन एंड अप्लाई द एम्पियर सर्क्यूटर लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू अब जो लूप है उसका पार्ट जो है वो विद इन द कैपेसिटर जा रहा है लेकिन कैपेसिटर के बीच तो कोई करंट ही नहीं है आए इज जीरो सो उसके अकॉर्डिंगली बी डॉट डी एल मस्ट बी जीरो ओके और अगर बी डॉट डी एल जीरो है तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो पहले में आया फर्स्ट केस में कि मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर अब अगर वही पॉइंट हमने लिया लेकिन एक डिफरेंट एम्पीरियन लूप ली तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी आ गई मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आ गई ठीक है सो so, तीसरा एक केस उसने कंसिडर किया कि अगर हम सिर्फ कैपेसिटर के अंदर देखें ठीक है सो विद इन द कैपेसिटर अगर हम लें ठीक है सो so, कैपेसिटर के अंदर का पार्ट अगर हम देखें तो उसमें क्या है थर्ड केस में के अगर सरफेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो कैपेसिटर के बीच में तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा कैपेसिटर की ब्लेड्स के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो नहीं कर रहे करंट इज़ जीरो सो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी हो जाएगी ज़ीरो ठीक है सो दिस वॉज इनकन्सिस्टेंट एट द सेम पॉइंट विद डिफरेंट अपीरियन लु सर्फिज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द सेम दे आर डिफरेंट फॉर द सेम पॉइंट सो मैक्सवेल ने ये कहा के जो एम्पीयर सर्क्यूटर लॉ है देयर इज समी इन दैट नो इट नीड्स टू बी करेक्टेड कहीं पे गैप है बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर के इमीडिएटली बाहर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर और जैसे ही हम कैपेसिटर में जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है जीरो हाउ इज 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 पॉसिबल हाउ इज़ इट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है इतनी डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती सो ही करेक्टेड द एम्पियर सर्क्यूटर लॉ और उसमें जो इनकन्सिस्टेंसी थी उसने उसे रिमूव किया ठीक है सो हाउ ही डिड दैट सो मैक्सवेल ने करेक्ट कैसे किया मैक्सवेल ने करेक्ट किया ये एम्पियर सर्क्यूटर लॉ है कि लाइन इंटेगरल इज इक्वल टू म्यूनॉट टाइम्स द करंट ठीक है सो so, एम्पर इसने मैक्सवेल ने कहा कि दिस इज ट्रू ओनली फॉर स्टेडी करंट जो हमने पहले पढ़े थे कांस्टेंट करंट जब हम चेंजिंग करंट्स की बात करते हैं तो एम्पियर लॉ ऐसे उसमें नहीं लगता ठीक है सो ही फाउंड के एम्पियर लॉ में कुछ शॉर्टकमिंग है जैसे हमने पीछे देखा तो उसे उसने जो है वो ओवरकम किया ठीक है सो so, उसे ओवरकम करने के लिए उसने क्या कहा कि कैपेसिटर के बीच कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच अगर हम ये ज्यूम करते हैं कि करंट जीरो है तो हमारा लॉ जो है वो गलत है सो so, उसके अकॉर्डिंगली देयर मस्ट बी सम करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर लेकिन कैपेसिटर के बीच में क्या है हम पीछे पड़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है अगर करंट चेंजिंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंजिंग होगी कोई इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पे फ्लो नहीं कर रहे कोई वायर नहीं लगी हुई सो देयर इज देयर वाज नो कंडक्शन करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ठीक है सो so, मैक्सवेल ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है वो भी हमें पता है वी अपॉन डी ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल और ई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है ठीक है सो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी हेयर इट्स रिटर्न ए बट इट्स वी वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी सी जो होता है पैरल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्साइलर नॉट ए अपॉन डी ठीक है सो so, ये वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट कर दी तो वहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के वहाँ पे होती है ओके okay? नाउ वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द प्लेट्स जीरो है और बिटवीन द प्लेट्स ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है सो so, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एकदम चेंज हो रही है आउटसाइड द फील्ड प्लेट्स हैं नहीं अंदर इतनी है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग ठीक है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वॉट फील्ड इन एरिया ठीक है सो so, फ्लक्स जो है वो चेंज होगी ठीक है सो so, अगर फ्लक्स चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो देयर मस्ट बी सम करंट ओके सो कैपेसिटर जब भी कैपेसिटर uh, चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है uh, जो इट चेंजेस विद टाइम फ्लक्स चेंजेस विद टाइम ठीक है सो देयर विल बी करंट आई डी विच इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी डी फाई अपॉन इट्स बेसिकली डी क्यू अपॉन डी टी डेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ठीक है और अगर हम उसे जो करें दिस, उसकी डिफ्रेंसिएशन uh, करें ठीक है तो वी गेट दिस कि डी फाई इज इक्वल आई डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ओके सो वो जो करंट प्लेट्स के बीच में यू नीड नॉट डू ऑल दिस डेरिवेशन ये कुछ नहीं है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिसप्लेसमेंट करंट क्या हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक करंट जो है वो चेंज हो सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लग प्रोड्यूसिसम एफ वैसे ही यहां पे है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी तो दैट विल प्रोड्यूस अ करंट विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज द थिंग यू नीड टू नो आपको सिर्फ ये पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है ठीक है उसके लिए ये सारी चीज़ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ व्हाट करंट जो है जो, जो हम पीछे ले रहे थे एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में ही वॉज टेकिंग के बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर करंट जीरो हो जाता है तो एम्पेयर सर्क्यूटर लॉ मैग्नेटिक फील्ड जीरो देता है नो no, प्लेट्स की कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन करंट जीरो नहीं होगा वहां पे जो करंट होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है सो so, वो करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ठीक है सो एट सर्टन पॉइंट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट करंट जैसे बाहर है तो वायर में सिर्फ कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लेट्स आ गई तो उसके बीच में कंडक्शन करंट जीरो है तो वहां पे करंट कौन सा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट है ठीक है सो दैट देयर इज ओनली द करंट एग्जिस्टेड आउटसाइड द कैपेसिटर बट ऑल्सो करंट नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और कारण क्या है इस डिस्प्लेसमेंट करंट का इट एग्जिस्ट ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ओके सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज वॉट जो करंट इलेक्ट्रॉन चार्जेस के फ्लो के कारण होता है उसे हम uh, कंडक्शन करंट कहते हैं आईसी के साथ उसे डिनोट करते हैं ठीक है जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय आई डी सो टोटल करंट इज आई सी प्लस आई डी ठीक है सो so, so, जो मैक्सवेल का लॉ था जो एम्पेयर का लॉ था बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इन टू आई वो क्या बन जाता है म्यू नॉट इन टू आई सी प्लस आई डी टोटल करंट क्या है जहाँ पे कंडक्शन नहीं है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहाँ पे कंडक्शन होगा ठीक है सो so, वो जो है उसकी फॉर्म ये आ जाती है हमारे पास एफ नॉट डी फाइव ई अपॉन डी टी सो इसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं बेसिकली वॉट इज डिस्प्लेसमेंट करंट द करंट दैट इज प्रोड्यूस और दैट अराइज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट ओके सो दैट इज इम्पॉर्टेंट ठीक है सो एज इट इज शोन हेयर सो वायर्स के थ्रू जो जा रहा है वो कंडक्शन करंट है जो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है अगेन कमिंग आउट ऑफ द कैपेसिटर वी हैव ओनली कंडक्शन करंट ठीक है सो देर इज करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कपेस्टिटर विच इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट ओनली यू नीड टू नो दिस वॉट इज़ डिसप्लेसमेंट करंट ठीक है बाकी जो सारा वो उसका डेरिवेशन और वो है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ठीक है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज डिसप्लेसमेंट करंट इज़ इट क्लियर ओके सो ये जो है डिसप्लेसमेंट करंट का ठीक है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड सो उसने कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी करंट होगा करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ठीक है सो so, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है फेराडे ने कहा लेंजेस ने उसे कहा सो so, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी सो दिस गिव्स राइज टू वॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स सो जो की चार इक्वेशंस हैं मैक्सवेल की चार इक्वेशंस वो फिर ये बन जाती हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम है मैग्नेटिज्म में वही सेम इक्वेशन है थर्ड वाली भी सेम है फेराडिज लॉ फोर्थ वाली चेंज होगी जो म्यू नॉट आई था वो अब क्या बन गया म्यू नॉट आई कंडक्शन करंट के लिए प्लस अगर डिस्प्लेसमेंट है तो म्यू नॉट आई डी डिसप्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप साइलेंट नॉट डी फाई अपॉन डी थी ठीक है सो ये मैक्सवेल की चार इक्वेशंस बन गई मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटर लॉ दिस इज कॉल्ड ठीक है और व्हाट यू नीड टू नो इज़ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट सो दैट्स ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट अब यहाँ से हम आगे चलेंगे ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे यहाँ पे हमने ये समझा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी सो दीज टू थिंगस आर इंटरलेटेड विद ईच अदर So that's all about that concept of displacement current we'll be discussing the electromagnetic wave in the next video that's all thank you